As you can see here, this is a capacitance of two wire line, Poisson equation, Laplace equation, and solution of Laplace and Poisson equation, and application of Laplace and Poisson equations. ये टॉपिक हम लोग आज कौन सा पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बेसिकली व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज लाप्लास इक्वेशन, देन पॉइजन इक्वेशन. ये दोनों आपस में इंटरलेटेड है तो एक ही बार में कवर हो जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट. बाउंड्री कंडीशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, यूनिट थर्ड में बाउंड्री कंडीशन हम लोग पढ़ रहे थे, हम एक चीज देख रहे थे कि सपोज आपके पास कोई दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिनके बीच की अपनी बाउंड्री बाउंड्री है. सपोज ये बाउंड्री है, ये कोई मटेरियल आपका, इसका है परमिटिविटी एप्सिलॉन वन, इसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन टू. ठीक है, सो वॉट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अगर हमें किसी एक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो दूसरे में हम लोग फाइंड आउट कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशंस. ओके, तो इस तरह से हमें पता चल जाती है कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं एक फील्ड में दूसरी फील्ड में उसको निकाल लेते थे. लेकिन अगर यही बात की जाए कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको नहीं पता किसी एक फील्ड में और किसी दूसरे फील्ड में, सो हाउ विल यू डू इट, आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, उसके हम लोग उसके लिए पॉइजन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन. तो पॉइजन इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन सिर्फ नाम ही इनके अलग है, बाकी ये इजी, काफी इजी है. अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझ में आती है तो उसको बहुत जल्दी समझ लो, इट्स वेरी इजी एक्चुअली. लेट्स स्टार्ट. पॉइजन एंड लाप्लास इक्वेशन. सो पॉइजन इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वी नो द गॉस लॉ, हमको सबको पता है गॉस लॉ क्या होता है. द गॉस लॉ इज इक्वल टू डेल ऑफ डी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस एप्सिलॉन इनटू ई. डी की हम डीजी का हमने रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन इनटू ई, दैट इज इक्वल टू रो वी. ये आपकी बोली जाती है पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ की पॉइंट फॉर्म हम लोग ये जानते हैं पहले से. ओके, If you want to find out electric field intensity in terms of voltage, तो हम लोग कैसे find out कर सकते हैं? E is equal to minus of del V. We know E is equal to minus of del V. Okay. So अगर हम ये equation को direct अपना Laplace Gauss form में रखते हैं तो हमारे पास equation क्या बनेगी? The equation will be इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? E इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ माइनस एप्सिलॉन सो दैट इज द इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ माइनस एप्सिलॉन इनटू ई. ओके, एक सेकेंड. सो वी नीड टू फाइंड आउट, अब हमने डाइवर्जेंस यहां पर डॉट डॉट इसका मल्टीप्लाईकेशन आप करोगे तो क्या बनेगा? ये डाइवर्जेंस स्क्वायर, या फिर जो आपका डेल ऑपरेटर था उसको स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाप्लास, दैट इज डेल स्क्वायर नोन एज लाप्लासियन ऑपरेटर. ठीक है, इसी इक्वेशन को आप नाम देते हो पॉइजन इक्वेशन, दैट इज नोन एज अ पॉइजन इक्वेशन, है ना? पॉइजन इक्वेशन. तो इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो डेल स्क्वायर ऑफ वी को आप क्या बोलते हो? दैट इज कॉल्ड द लाप्लासियन ऑपरेटर. तो लाप्लासियन ऑपरेटर ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन एप्सिलॉन. व्हाट इज रो वी? रो वी इज द चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ अ मीडियम. अच्छा, ऐसे सम टाइम इट इज पॉसिबल कि आपके पास कोई मीडियम में कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है. So then in this case the rho v is equal to zero. Then rho v is equal to zero, this equation will be
लाप्लासियन ऑपरेटर ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, सो दैट इज नोन एज अ लाप्लासियन ऑपरेटर। हेलो, हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, लाप्लासियन ऑपरेटर ऑफ वी दैट इज इक्वल टू वी इक्वल टू जीरो। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट वी, इफ वी कैन फाइंड आउट वी हम लोग उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो हमको, देन हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमको पता है तो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो लाप्लासियन ऑपरेटर के लिए दैट इज कॉल्ड द लाप्लासियन ऑपरेटर, आई टोल्ड यू दिस इज नोन एज द लाप्लासियन ऑपरेटर डेल ऑफ स्क्वायर। सो ये बेसिकली अगर आप इसको रखना चाहते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो इस तरह से होगा। ओके, अगर आपके पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इक्वेशन ये होगी आपके पास, इफ इट इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो इक्वेशन हमारे पास ये होगी। सो दीज आर द इक्वेशन जो आपको फॉर्मूला एक्चुअली याद होना चाहिए। नाउ वही बात है कि आपके पास जिस तरह से आपको गिवन है वी उसी तरह आप इक्वेशन यूज करोगे। नाउ एक थ्योरम होती है यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और वो आपकी पॉइजन इक्वेशन या लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो वो आपका सॉल्यूशन यूनिक होगा इन सिंपल टर्म्स। बस इतना सी स्टेटमेंट है इसका। कहने का मतलब ये कि आपके पास वी वन इज इक्वल टू 2 वोल्ट है एट दिस बाउंड्री, ये बाउंड्री आपको दिख रही है, देर आर टू मीडियम वन एंड टू, ये वन एंड टू मीडियम है और यहाँ वोल्टेज आपके पास क्या वी वन इज इक्वल टू 2 है, और ये इक्वेशन ये वोल्टेज आपका सेटिस्फाई करता है किसको, लाप्लासियन लाप्लासियन इक्वेशन को या फिर पॉइजन इक्वेशन को, लाप्लास इक्वेशन पॉइजन इक्वेशन सेटिस्फाई अगर करता है तो आपका ये सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो दैट इज नॉट, दैट इज अ यूनिकनेस थ्योरम। इसको अपन सिंपल में यूनिकनेस थ्योरम बोलते हैं। सो इफ ए सॉल्यूशन टू लाप्लास इक्वेशन कैन बी फाउंड दैट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस एंड द सॉल्यूशन इज यूनिक। ओके, और जनरल प्रोसीजर टू फॉर सॉल्विंग पॉइजन पॉइजन और लाप्लास इक्वेशन। सो जनरल प्रोसीजर क्या होगा एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखो यू नो आपके पास ये रो वी, अगर आपके पास जीरो है, अगर आपके पास रो वी इक्वल टू जीरो है तो आप यूज क्या करोगे, लाप्लास वाली इक्वेशन। अगर आपके पास रो वी जीरो नहीं है तो आप ये यूज करोगे पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, तो पॉइजन इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन दोनों एक दूसरे की मतलब इंटरचेंजेबल है, सिर्फ रो वी का फर्क पड़ जाता है। अगर रो वी नॉट इक्वल टू जीरो है तो पॉइजन इक्वेशन बोलोगे आप, और रो वी इक्वल टू जीरो तो लाप्लास इक्वेशन बोला जाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली। आप पहले इस इक्वेशन को यूज करो, यूज करने के बाद जो भी बाउंड्री कंडीशन है उससे आप वी की वैल्यू निकाल लो। वी हम लोग अब फंक्शन निकालेंगे, वी का इक्वेशन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, और अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन टू डिटरमाइन द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ वी। बस बाउंड्री कंडीशन लगा के वी का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब एक बार वी आपको आपके पास मिल गया तो आप ई वी निकाल सकते हो। ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ वी, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। और ई वी अगर आपके पास ई मिल गया तो आप डी भी निकाल सकते हो, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ ई। ओके, नाउ इफ यू नो द डी देन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द, इफ डिजायर फाइंड द चार्ज क्यू। तो आप अगर आपके पास चार्ज आपको फाइंड आउट करना है तो आप चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, इफ यू नो द डी देन यू नो द डी एन, एक्चुअली यू नो द डी एन, आप डी भी निकाल सकते हो नॉर्मल करंट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, उससे आप क्या निकाल सकते हो, रो एस, एंड द रो एस विल गिव यू द चार्ज ऑन द कंडक्टर। एक बार आपके पास चार्ज आ गया तो विद द हेल्प ऑफ चार्ज यू कैन फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन दैट बिटवीन दीज टू कंडक्टर। कहने का मतलब ये कि आपके पास अगर दो कंडक्टर है, उनके बीच का मीडियम ये है, यहाँ पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, उसकी जो डेंसिटी है वो मैंने मानी रो एस है। ये रो एस आपके पास किसके पर पड़े, किसके बराबर होगी, इट विल बी द नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ये हम लोग पहले बाउंड्री कंडीशन में निकाल चुके हैं, डी एन इज इक्वल टू रो एस। तो बस अगर आपको इसकी कैपेसिटी निकालनी है तो आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज निकालने के लिए आपके पास रो एस इंटू डी एस इंटीग्रेशन आपको निकालना होगा। दिस वन, एक सेकेंड, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, दैट इज योर कैपेसिटेंस। सो बेसिकली पॉइजन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन आपको यूज करेंगी कैपेसिटी फाइंड आउट करने में,
रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में, कहाँ पर जहाँ पर कंडक्टर का एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, ये सब जगह अप्लाई हो सकती है। वैसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं जो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं वो हम लोग किस तरह निकालते हैं, वी अपॉन आई करके। लेकिन अगर आपके पास वी अपॉन आई की कंडीशन गया, वी अपॉन आई आप कब लगा सकते हो, व्हेन द प्रोसेसिंग एरिया ऑफ द कंडक्टर इज यूनिफॉर्म। इफ द कंडक्टर प्रोसेसिंग एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म देन यू कैन नॉट अप्लाई द आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाप्लास इक्वेशन और पॉइजन इक्वेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट वन एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, इसके एग्जांपल भी काफ़ी इजी होते हैं अगर आपको थोड़ा समझ में आता है, और मैथमेटिक्स अगर आपको थोड़ी सी आती है। सो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अटपट लगेगा, लेकिन एक्चुअली इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। तो इट इज़ अ करंट कैरिंग कंपोनेंट्स इन हाई वोल्टेज पावर इक्विपमेंट मस्ट बी कूल टू कैरी अवे द हीट कॉज बाय द ओमिक लॉसेस। कहने का मतलब यह है कि एक हाई वोल्टेज पावर इक्विपमेंट है, उसको हमको कूल करना है। किस तरह से कूल करना है कि उसके जो ओमिक लॉसेज हैं, वो जो भी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको दूर भगाना है, उसको उसको हटाना है वहाँ से, बेसिकली हीट को रिमूव करना है। तो इसका मीनिंग, इसका कैसे किया जाए, अ मीन्स ऑफ पंपिंग, एक तरीका क्या है इसका, पंपिंग बेस्ड ऑन द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द कूलिंग फ्लूइड बाय चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब सिंपल सा मीनिंग इसका इतना सा है। अब इस डायग्राम पे कंसंट्रेट करो, सपोज करो आपके पास ये चार्ज यहाँ से जनरेट हो रहे हैं और ये हीटेड चार्ज यहाँ से जनरेट हो रहे हैं। हीटेड चार्ज को आप कूलिंग मीडियम की तरफ ले जाओ, ये कूलिंग मीडियम है आपका बस। ठीक है, इधर कोई कूलिंग मीडियम लिक्विड भरा पड़ा है आपका, इस लिक्विड में आप ले जाओ अपने चार्ज को और इसको ठंडा कर दो, बस सिंपल सा काम यह है। सो ये जो चार्ज यहाँ से जा रहा है, ये किसी कंडक्टर से होकर जा रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास एस है, बिकॉज चार्ज किसी कंडक्टर पाथ में फ्लो कर सकता है ना, तो दैट मींस ये कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए आपके पास, इसको कंडक्टर मान के चल रहा है, तो बस कंडक्टर में ही आपका ये चार्ज फ्लो हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ पॉइजन इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन इसको थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब पूछा क्या इसने, पहले ही देख पार देख लेते द रीजन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अब इसको क्या इसने क्या था, इसने एक इलेक्ट्रो हाइड्रोडायनेमिक मॉडल बनाया, पंपिंग मॉडल, इलेक्ट्रो हाइड्रोडायनेमिक, यानी कि इलेक्ट्रो भी है और इसमें हाइड्रो वाटर की डायनेमिक भी है, डायनेमिक्स भी है। सो वी कैन से कि आपके पास इलेक्ट्रो कैसे, इलेक्ट्रो ऐसे है बिकॉज यहाँ ये आपके पास चार्ज है, तो चार्ज हो गया इलेक्ट्रो, और कैसे फ्लो हो रहा है, इस जिस फ्लो लाइक अ फ्लूड, तो इलेक्ट्रो हाइड्रोडायनेमिक, इसलिए इसको इलेक्ट्रो हाइड्रोडायनेमिक हम लोग पंप का नाम दे रहे हैं। तो इससे वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको समझना है कि कैसे मॉडल बनाए। सो दीज आर द वोल्टेज, ये आपके पास कोई वोल्टेज है वी नॉट जो आपके कहाँ पर है, एट एक्स इक्वल टू जीरो या जेड इक्वल टू जीरो पे है, मान लिया आपने यहाँ जेड एक्सिस गिवन है, ओके। और दूसरा आपके पास क्या है, एट वी एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू डी पे आपके पास वोल्टेज कितना, जीरो वोल्ट। जेड इक्वल टू जीरो पे वोल्टेज कितना, प्लस वी नॉट, और जेड इक्वल टू डी पे वोल्टेज कितना, जीरो वोल्ट। सो एक चीज़ तो हमें ये क्लियर है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, अलॉन्ग द जेड एक्सिस। सो लाप्लाशियन ऑपरेटर में आपके पास सिर्फ z का टर्म ही बचेगा, और हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए विच इक्वेशन वी विल यूज। राइट नाउ वी कैन सी द रीजन द रीजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन कंटेन्स अ यूनिफॉर्म चार्ज रो नॉट। तो यूनिफॉर्म चार्ज रो नॉट इज रो नॉट है इसके पास, दैट मीन्स यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी वो जीरो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे पॉइजन इक्वेशन। तो व्हेनेवर जब भी चार्ज डेंसिटी नॉट इक्वल टू जीरो होगी तो आप पॉइजन इक्वेशन यूज करोगे, लाप्लाशियन ऑपरेटर ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस रो बी अपॉन एप्सिलॉन। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन ये वी एट जेड इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू वी नॉट एंड वी एट जेड इक्वल टू डी इज इक्वल टू जीरो, दीज आर द बाउंड्री कंडीशन। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल टू वी ओवर डेल जेड टू माइनस रो वी रो माइनस रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, ओके। तो हम इसको सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, बिकॉज यहाँ पर वी कैन सी दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ जेड, दो बार डिफरेंशिएट, दो बार इंटीग्रेट आप करोगे तो यू विल फाइंड आउट दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वी। सो दैट इज एक्सप्रेशन फॉर वी एंड वी हैव टू पुट द बाउंड्री कंडीशन एट दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन। तो वी नो बाउंड्री कंडीशन, जेड इज इक्वल टू जीरो वी नॉट, तो आप इसको रखोगे वी नॉट, तो यू विल फाइंड आउट कैपिटल बी इज इक्वल टू वी नॉट।
दूसरी कंडीशन क्या, व्हेन जेड इज इक्वल टू डी, वी इज इक्वल टू जीरो, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आप एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, द ए इज इक्वल टू रो नॉट डी अपॉन एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई डी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी होगी माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, ग्रेडियंट हमारे पास किसका है, सिर्फ जेड का, बिकॉज हमारे पास जेड एक्सिस में लाई कर रहा है क्या पोटेंशियल, तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल फाइंड आउट डेल वी ओवर डेल जेड, दैट इज इक्वेशन फॉर वी. आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू, तो बी हमारे पास क्या, इट इज ए कॉन्स्टेंट, ये जीरो, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस टू रो नोट जेड अपॉन टू एप्सिलॉन. इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू विल फाइंड आउट आपके पास क्या होगा, द ई इज इक्वल टू माइनस प्लस वी नॉट बाई डी रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन जेड माइनस डी बाई टू इंटू ए जेड कैप. ए जेड कैप किसके लिए आ रहा है, ए जेड कैप बिकॉज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लाइंग बट बी ओनली ऑन द जेड एक्सिस. सो हमारे पास ए जेड कैप यहाँ पर आ जाएगा. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द नेट फोर्स. सो नेट फोर्स हमारे पास क्या होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अ चार्ज एक्चुअली, ये हमारे पास टोटल चार्ज हो गया, टू ई से मल्टीप्लाई कर दोगे आप और इंटीग्रेट कर दो तो यू विल फाइंड आउट चार्ज. सो दैट इज अ एक्सप्रेशन फॉर चार्ज, जेड इज इक्वल टू जीरो से डी तक हमको इंटीग्रेट करना है. डीएस हमारे पास क्या होगा, डीएस हमारे पास है, डीएस इज व्हाट इज द डीएस इज अ सरफेस क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया, और डीजेड हम यहाँ देख सकते हैं. तो बेसिकली ये वॉल्यूम कौन सा है, ये वॉल्यूम ये वाला है, इफ दिस इज डीएस हम डिफरेंशियल सरफेस दे रहे हैं, ओके, और ये हमारे पास अगर डीजेड है तो डीजेड का इंटीग्रेशन होगा आपका एस, और डीजेड डीजेड की लिमिट क्यों होंगे जीरो से डी. सो बस हमने यहाँ इसको डायरेक्ट पुट किया, एक सेकेंड. सो हमने पुट किया लिमिट्स फॉर जेड, डी जेड की लिमिट पुट करी, जेड इज इक्वल टू जीरो से डी, और ये डीएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एस. और जब आप इसको ई को इंटीग्रेट करोगे, ये रहा ई का एक्सप्रेशन, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो विल फाइंड आउट फोर्स, द फोर्स विल बी रो नॉट एस वी नॉट बाई वी नॉट ए जेड. वी नो द फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट द प्रेशर, तो हमको अल्टीमेटली प्रेशर ही फाइंड आउट करना था कि जेड इज इक्वल टू जीरो से डी के बीच में आपको कितना प्रेशर पड़ रहा है, लग रहा है ऑन द इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो प्रेशर कितना है 550 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चंस, एक्चुअली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आपकी एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है. इन अ वन डायमेंशनल डिवाइस द चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाई रो वी इज इक्वल टू रो नॉट एक्स डिवाइडेड बाई ए, इफ ई इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड वी इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू ए, फाइंड वी एंड ई. अब आपको ये काम करना है, स्टार्ट. मैं आपको पॉइजन इक्वेशन दिखा देता हूँ, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. और आप क्या करोगे, आप सब लोग इसका सॉल्यूशन अपलोड करोगे मेरी मेल आईडी पे, आई विल फॉरवर्ड यू मेल आईडी. बेटा क्लास को मुझे अपलोड करना पड़ेगा तभी आप अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते डायरेक्ट. क्यों, बस तुम्हें डायरेक्ट सेल फोन से मिली तो कर देना है, मेल आईडी कनेक्ट नहीं है फोन में, आजकल तो स्मार्टफोन है. व्हाट्सएप कर दे. व्हाट्सएप बेटा नहीं, व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा मैसेज हो जाते हैं, फिर मैं समझ नहीं आता किसका कौन सा क्वेश्चन है. ओके, आई डू वन थिंग, आई जस्ट अपलोड दिस क्वेश्चन ऑन द गूगल क्लासरूम. ओके, आई एम अपलोडिंग इट, तो आप लोग वहीं इसका आंसर मुझे फॉरवर्ड करना. ओके, आई विल ऑल्सो अपलोड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसको अलॉन्ग विद आंसर के साथ भी अपलोड करूंगा मैं, तो जिससे आप समझ सको आपका आंसर सही है नहीं सही है. लेकिन मुझे किसी का सॉल्यूशन कॉपी नहीं चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ, नॉट अ सिंगल वन. ओके,
मुझे सिंगल वन का कॉपी नहीं चाहिए। या फिर एक काम करो, आप कुछ मत करो, आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करो सब सॉल्यूशन अभी का अभी, सब लोग बनाओगे और मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करोगे, और मैं एट द सेम टाइम इसको चेक करके आपको आंसर भी दे दूंगा।